परसेंट सब्सिडी मिल जाएगी इस पे 45% सब्सिडी है। अच्छा, लखनऊ से टेस्टेड है, लखनऊ से पास हुई हुई है, टेस्टिंग रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, 45% सब्सिडी की मेरी गारंटी है। तो आपकी तरह का कौन कौन सी फसल निकाल देती है? सर ये धान निकालती है, लेटा, सरसों, चना, कनेर। अच्छा, एक साल की गारंटी रहेगी सर पूरी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ भी हो जाए मशीन में, कुछ भी A to Z जी, उसकी पूरी गारंटी मेरी है जी सर। बंदा मैं उसके घर पर होगा घर पर भेजूंगा, खेत में होगा खेत में भेजूंगा, किसी भी कोने में हो, गीला सूखा दोनों निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। अच्छा, तो सर अब बात कर लेते हैं, ये जो गीला कितना निकाल देगा और सूखा कितना निकाल देगा? सर इसकी जो निकासी रहेगी वो एवरेज जो रहेगी एक घंटे में आप मान लो 20 क्विंटल 20 क्विंटल आराम से, 25 फीट फेंक देगी कम से कम। अच्छा, उससे लगभग मैक्सिमम आप 40 फीट 35 फीट 35-40 आराम से। नमस्कार दोस्तों भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको मल्टी क्रॉप थ्रेसर दिखाने वाला हूं जो मार्केट सबसे सस्ती मिलने वाली है। तो आइए सर से पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, एक छोटा परिचय है आपका। मेरा नाम हरिवर सर, मैं डिलक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय हूँ जी, जो के यूपी के जिले में संबल है जी, वहां पर स्थित है। संबल का जो मेन चौराहा है उससे जब आप चंदोसी की तरफ को जाएंगे तो 500 मीटर लगभग चलने के बाद ये फर्म है डिलक्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो सर आप हमारे किसानों के लिए कितने समय से जो सेवा प्रदान कर रहे हैं? सर मुझे लगभग 30 साल हो गए इस फर्म को। अच्छा, तो सर मैंने शुरू में बात करा सबसे सस्ती, क्योंकि मार्केट में जो है बहुत बहुत महंगी थ्रेसर मिल रही है, बिल्कुल। तो सबसे सस्ती देने वाले हो आप? जी बिल्कुल, सबसे सस्ती देने वाला। अच्छा, तो सर बात कर लेते हैं आपके थ्रेसर के बारे में जी। ये जो आपकी थ्रेसर कौन कौन सी फसल निकाल देती है? सर ये धान निकालती है, लेटा, सरसों, चना, कनेर। अच्छा, तो सर मैं जो आपकी मशीन में देख पा रहा हूँ इस यहाँ बेल्ट के बारे में, मैंने और देखा वो जो पुली होती है वो दो पार्ट में होती है, आपने सिंगल पार्ट में क्यों दे रखी है? सिंगल पार्ट में सर इसलिए दे रखी है ताकि ट्रैक्टर पे बिल्कुल भी लोड नहीं आए और बेल्ट पे लोड नहीं आए। अच्छा, इसमें क्या है सर, ये सिंगल पार्ट में जो पुली है ये लाइफ टाइम के लिए दी है मैंने। अच्छा, ये पुली कभी भी खराब नहीं होने की है, सबसे हैवी पुली मैंने लगाई है, ये 12 की पुली है 4 बेल्ट में। अच्छा सर, मैं देख पा रहा हूँ आपने ये पुली जो है आड़ी क्यों लगाई है? ये सर तिरछी जो पुली लगाई है इसलिए लगाई गई है ताकि बेल्ट जो है लूज हो जाती है। अच्छा, ये टाइट है तो आप जो है इसकी सहायता से जो है बेल्ट को लूज कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं जी। जैसा हमारे किसान भाई कहते हैं चलती चलती जो है वो स्लिप मारने लगती है या ढीली हो जाती है जी जी, तो जी। इसके माध्यम से वो टाइट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके इसके माध्यम से वो टाइट कर सकता है। अच्छा, तो सर बात कर लें इसके बैरिंग के बारे में, आपने बैरिंग की क्या क्वालिटी कर रखी है? सर ओरिजिनल बैरिंग लगा रखी है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे हैवी बैरिंग है ओरिजिनल। अच्छा, यहाँ सिंगल बैरिंग लगा रखा है जी, इसके पीछे डबल बैरिंग ले दिया है। यहाँ पे आपने बैरिंग लगा रखा है? जी जी, पीछे डबल बैरिंग है, आगे सिंगल पीछे डबल जी। तो सर मैं देख पा रहा हूँ इसकी भील, मैंने देखा जो भील होती है वो भी दो पार्ट में होती है, आपने सिंगल पार्ट में दे सिंगल पार्ट में, ताकि किसान जब ट्रैक्टर चलाए तो उसका एवरेज भी बढ़िया निकले, तेल कम खाए और लोड फ्री ट्रैक्टर चले। अच्छा, तो सर मैं बात कर लेता हूँ जैसा आपने इसके बारे में बताया, तो सर जैसे कि हमारे किसान भाई कहता है इसका चल्ला एडजस्ट कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते सर, एक यहाँ दिया हुआ है एक आगे दिया हुआ है। अच्छा, वहां से आप जो है चलना ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा, बोल्ट के माध्यम से एडजस्ट कर सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो सर मैं बात कर लेता हूँ पीछे इस चलने के बारे में, आपने एडजस्ट के बारे में बता दिया, अब इस चलने के बारे में बात कर लेते हैं, इस चलने जो चलने क्या क्वालिटी होने वाली है? सर सबसे हैवी चलना दिया है। अच्छा, और कंपनियों की अगर आप थ्रेशर देखो जी और मेरी थ्रेशर देखो तो सबसे हैवी चलने मैंने दिए हुए हैं, 2 चलने इसमें जी। सर सर अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में जी, ये यहाँ से आपने पुराली निकलती है? जी यहाँ से पुराली निकलती है जी। सर तो इसकी क्या क्वालिटी होने वाली है बताइए? सर इसमें जो है 10 mm की तो चादर लगाई है। अच्छा, और ये पंजा लगा हुआ है जी, इसका जो काम रहता है वो अंदर से पराल को खींचने का काम रहता है। अच्छा, और इसमें जो हैवी मैंने चादर लगा रखी है वो इस वजह से लगा रखी है ताकि पराल जितनी हो सके उतनी लंबी ये जो है पराल को फेंक सकता है, जितनी दूरी फेंक सके कम से कम 25 फीट कम से कम 25 फीट फेंक दे कम से कम। अच्छा, उससे लगभग मैक्सिमम आप 40 फीट 35 फीट 35-40 आराम से। अच्छा, तो सर तो वो जब टूटेगा तो फैन या खुल जाए तो वो फैन की आवाज से जो है बाहर फेंकेगा, अगर अच्छा। सामने कोई आ गया उसके लग गया तो उसकी जान पे आ गई पूरी जी। तो इसकी वजह से जो है ये वेल्डिंग कर रखा है बिल्कुल। अच्छा, तो सर मैं देख पा रहा हूँ अंदर इसमें आपने रोड लगा रखी है, कुछ किसान में जो कमेंट आती है वो कहते हैं कि हमारी जो रोड होती है वो टूट जाती है लोड पे, तो आपने रोड की क्या क्वालिटी कर रखी है इसकी? भाई स्टील है। अच्छा, टूटने का सवाल ही नहीं है जी सर, सबसे हैवी रोड लगी हुई है इसमें जी सर। तो सर मैं बात कर लेता हूँ ये वाली जो आपने
जो चादर लगा रखी है वो चादर कौन सी, क्या लगा रखी है आपने? इसमें लगा रखी है सर 12 गेज। अच्छा 12 गेज, 12 गेज बाकी पूरी मशीन में 14 गेज। अच्छा ये हैवी लगा रही है ताकि इसमें जो है ये जब इसके अंदर आप धान डालोगे जी तो वो जब पंखे से घूमेंगे तो वो घिसट लगेगी जी सर इसके अंदर, ताकि इसमें जो है चादर फटे नहीं या चादर जो है हल्की नहीं हो। अच्छा ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए इसमें 12 गेज की चादर लगाई गई है। अच्छा तो इसमें एज पर कस्टमर डिमांड जी इसमें मछली वाली चादर भी लगाते हैं हम। अच्छा जी जी। अच्छा जैसा कोई किसान डिमांड करे उसके हिसाब से, उसके हिसाब से मछली वाली चादर। अच्छा जी। तो सर मैं देख पा रहा हूँ जो आपने इसके इंगल जो लगा रखे हैं, इंजन क्या कौन से को लगा रखा आपने इसके अंदर? ये सर सबसे हैवी इंगल लगा रखी है। अच्छा ओरिजिनल बिल्कुल लोहा, आप मेरी पूरी मशीन में कोई से भी ले लो। अच्छा। इंगल ले लो, चादर ले लो या पट्टा ले लो जी, कुछ भी ले लो, सब चीज बिल्कुल ए क्वालिटी की आपको मिलेगी जी। तो सर आपने जो मशीन दे रखी है वो कितने फैन में दे रखी है आपने? ये सर 5 फैन की मशीन है। अच्छा मेरे पास 3 फैन से लेकर 8 फैन तक सारी मशीनें अवेलेबल है जी सर, जो भी किसान चाहे वो मशीन मेरे पास से ले सकता है जी। तो सर आपने जो है ये 5 फैन देने का क्या रीजन रहा इतना? 5 फैन सर, 1 फैन तो ये हो गया पराल का जी सर बिल्कुल ठीक है, 1 फैन हो गया सर ये उसका धान का, धान बरसाने का, ये होता सिटी फैन जी ये वाला। हाँ जी इसमें जो है आप इसका प्रेशर भी एडजस्ट कर सकते हैं, साइड में इसके मीटर दिया हुआ है वहां से आप इसका प्रेशर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से जो हवा जो है कम भर्ती कर सकते हैं? कम भर्ती कर सकते हैं जी सर। जैसे कि गीला कोई किसान भाई निकालता है धान निकालता है तो वो भी इससे बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ा सकता है बिल्कुल। अच्छा गीला सूखा दोनों निकल जाएगा? दोनों निकल जाएगा। अच्छा तो सर अब बात कर लेते हैं ये जो गीला कितना निकाल देगा और सूखा कितना निकाल देगा? सर इसकी जो निकासी रहेगी वो एवरेज जो रहेगी 1 घंटे में आप मान लो 20 क्विंटल। 20 क्विंटल आराम से, आराम से। अच्छा सर कितने एचपी ट्रैक्टर चल जाएगा इस पे? सर 35 HP से लेके 45 HP तक का ट्रैक्टर बहुत आराम से इसको मशीन को चलाएगा। अच्छा, लोड फ्री चलेगा? लोड फ्री बिल्कुल, कोई दिक्कत आने वाली नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी। तो सर यहाँ से भी जो हमारे किसान में अगर कचरा आ जाता है तो वो यहाँ से साफ कर सकते हैं इसको? अच्छा यहाँ से खोला साफ कर सकता है जी बहुत ही आसानी से। देखिए किसान भाइयों इसमें भी आपने जो लोहे पे आपने एक एक बारीक चीज पे आपने बहुत ध्यान रखा है। बिल्कुल सर एक एक चीज पे ध्यान दिया गया है इसमें जी जी। तो सर आपने इसके बारे में बता दिया जी, आपने निकासी के बारे में बता दी, तो सर अब बात कर ले सब्सिडी के बारे में, क्योंकि हमारे किसान होते गरीब जी, उन्हें चाहिए सब्सिडी। अगर उन्हें थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाती है तो उनका जो काम आसान हो जाता है जी। आइए इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये नंबर दे रखा है? अच्छा ये नंबर जो है टेस्टिंग रिपोर्ट पे आता है जी ठीक है। ये जो कोड है ये यंत्र कोड है जी 1491, ये जो है पैडी थ्रेशर का यंत्र कोड है जी। ये यार आ गया, ये सीरियल नंबर आ गया, ये सेलिंग स्टेट कोड आ गया जी। जिस स्टेट में आप बेचेंगे, यूपी में बेचेंगे तो यूपी आएगा, एमपी में बेचेंगे तो एमपी आएगा, बिहार में बेचेंगे तो बिहार आएगा। अच्छा कितने परसेंट सब्सिडी मिल जाए इस पे? इस पे 45% सब्सिडी है। अच्छा लखनऊ से टेस्टेड है, लखनऊ से पास हुई हुई है, टेस्टिंग रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, 45% सब्सिडी की मेरी गारंटी है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सबसे पहले डिलक्स के यंत्र पर सब्सिडी। अच्छा, तो सर किसान में सब्सिडी किस प्रकार से मिल सकती है बता दिया? ये सर इसका जो है गवर्नमेंट ने एक तो लॉटरी सिस्टम कर रखा है जी। आपको जो है अपने ब्लॉक से, आप अगर एमपी में है तो एमपी में आपका जो जिला लगता है उसका जो ब्लॉक है वहां से आपको उसका टोकन कटवाना पड़ेगा। टोकन कटवाने के बाद आप वो टोकन मेरे पास लेकर आइए, उसके बाद सारा काम मैं खुद करता हूँ, जिससे किसान के जो है बाद की भाग दौड़ बच जाती है, जो बाद में जो कुछ पैसे खर्च होते हैं वो बच जाते हैं। अच्छा। सारा काम मैं खुद अपने ऑफिस पर बैठकर करता हूँ किसान का। तो सर ये तो आपने बता दिया, इसकी गारंटी वारंटी क्या होने वाली है? 1 साल की गारंटी रहेगी सर पूरी बिल्कुल। अच्छा कुछ तो भी हो जाए मशीन में, कुछ भी A to Z जी, उसकी पूरी गारंटी मेरी है जी सर। बंदा मैं उसके घर पर होगा घर पर भेजूंगा, खेत में होगा खेत में भेजूंगा, किसी भी कोने में हो भी कोने में वहीं पे बंदा भेजूंगा। अच्छा जी, मतलब हिंदुस्तान में कोई कोने में हो आप घर पे जो है सर्विस दोगे? बिल्कुल होम सर्विस दूंगा जी सर। तो सर मैं देख पा रहा हूँ आपने इसमें भी एडजस्ट लगा रखा है, इसमें भी एडजस्ट के लिए होल दे रखे हैं ताकि अगर कोई किसान इसको हिचको ऊपर करना चाहे तो ऊपर कर सकता है, नीचे करना चाहे तो नीचे कर सकता है जी। जैसा कि ट्रैक्टर की जो है वो अपने हिसाब से कर सकता है जी, बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। अच्छा। इसमें बहुत सा काम ऐसा किया गया है जिससे किसानों के लिए इतनी सहूलत कर दी गई है जी, कि किसान जो है बहुत से कामों के लिए मिस्त्री के पास भागने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल खुद ही कर सकता है जी। तो सर मैं देख पा रहा हूँ जिसपे ये मशीन खड़ी है वो टायर की आपने क्या क्वालिटी कर रखी है? टायर सर ओरिजिनल टायर दे रहे हैं बिल्कुल जी। इस हमारे पास 2 तरीके के टायर है, 6/19
और 719। अच्छा, एज पर डिमांड अगर कोई कस्टमर 719 का टेल लेना चाहता है तो 719 का मिल जाएगा, 619 लेना चाहता है तो 619 मिल जाएगा जी। और इससे छोटा एक और है 616। अच्छा जी, तो सर आप जो कितने प्रकार के यंत्र बनाते हो? मेरे पास 22 इक्विपमेंट बनाता हूँ मैं, हैरो, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेशर, पैडी थ्रेशर, शाफ्ट कटर, पैडी स्ट्रेनर, 22 इक्विपमेंट में मैं डील करता हूँ, होलसेल और रिटेल दोनों। अच्छा, तो सर आप बात कर लें इसकी प्राइस के बारे में, आपने क्या प्राइस कर रखी है इसकी? इसके सर 185,000। अच्छा, 185,000 आपने कर रखी है? बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपका हमारे किसान भाई यहाँ से आपके संबंध है जी, तो यहाँ का ले सकता है, जो हमारे किसान भाई बाहर था वो कैसे ले सकता है बताइए? ऑनलाइन ले सकता है सर। अच्छा, मुझे कॉल कर सकता है, कंपनी के किसी भी नंबर पर कॉल कर सकता है, 50% उसको एडवांस देना पड़ेगा, जब मशीन उसके घर पर पहुंचेगी 50% तब देना पड़ेगा जी। तो अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 8868084686 जी। तो किसान भाई ये नंबर आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं, उन नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग करा सकते हैं। तो सर मिनिमम जो आपका चार्ज है वो क्या रहेगा? मिनिमम सर 50% रहेगा। अच्छा, 50% किसान भाई पहले दे जी, और बाकी जो पेमेंट बचा वो किसान भाई जब घर पहुंच जाती है जब दे दे। तो किसान भाई आपको ये मशीन कैसे लगी? ये मशीन जो आपकी सर ने बताया कि मतलब कई वैरायटी निकालने वाली, इनके पास में और मशीन आपको मिल जाती है, गेहूं वाली मशीन मिल जाती है और आपको इनमें जो धान जो क्लीन करने के लिए मशीन मिल जाती है। तो किसान भाई आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर बताना, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो किसान भाई आज के इतना ही, फिर मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।